इन दिनों पूरे देश में मिलावटी सामग्री का बोलबाला है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने बहुत से अभियान चलाए, पर शायद कहीं ना कहीं कोई कमियों के चलते कारगर साबित नहीं हो पाए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और कारगर साबित भी हुआ है। जहां मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं में कार्यवाही की, वहीं खरगोन जिले में बड़ी कार्यवाही करते हुए एक मिलावटखोर पर रासुका की कार्रवाई कर जिले को मिलावट मुक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज खरगोन विधायक रवि जोशी ने पत्रकार वार्ता बुलाकर बताया कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्म दिवस भी है, जिसे पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चौथी क्लास के बच्चे से प्रेरणा पाकर 14 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन विधायक और आम जनता के नेतृत्व में निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य आम जनता को मिलावट के प्रति जागरूक बनाना और मिलावटी सामग्री से होने वाली बीमारियों को रोकना होगा। रवि जोशी ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मंशा है कि हमारा मध्य प्रदेश मिलावट मुक्त हो। इस रैली का आयोजन शहर के किला गेट से होगा, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी और गांधी प्रतिमा पर जाकर समाप्त तो होगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। शुद्ध के लिए युद्ध हमारी लड़ाई है, शुद्धता हर चीज में होना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी को मैं मेरी ओर से, आप सबकी ओर से और क्षेत्र की जनता की ओर से और प्रदेश के समस्त नागरिकों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने और मिलावटखोरों के खिलाफ कानून बनाया। उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के अंदर दूसरा NSA की कार्रवाई खरगोन में हुई थी। उस कार्रवाई को देखते हुए ऐसा लगा था कि खरगोन में मिलावटखोरों का कुछ जाल बिछा हुआ है। उस जाल को तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी खत्म करने के लिए, विशेषकर खरगोन में ख़त्म हो, इसके लिए हम, हमारे बच्चों, आने वाली जनरेशन, हम छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो बाहर का खाना पीना नहीं खाती, उनको हम देखते हैं कि कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है, उसको रोकने के लिए मिलावटखोरों के खिलाफ जो अभियान माननीय कमलनाथ जी ने चलाया है, उसको हम दृष्टिगत रखते हुए 14 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन एक जागरूकता रैली के रूप में मनाने का, शहर की जनता का इन्वॉल्वमेंट हो, माताएं बहनों का इन्वॉल्वमेंट हो, नौजवान साथियों का, बच्चों का, बुजुर्गों का हो, उसको लेके हमने सुबह 10:30 बजे किला मैदान से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है। उसमें पूरे शहर की जनता से अपील करते हैं, क्षेत्र के भाई बंधुओं से अपील करते हैं, महिलाओं से अपील करते हैं, नौजवान साथियों से, गरीब अमीर दुखी सबसे अपील करते हैं कि वो उसमें शामिल हो। किला मैदान से रैली का शुभारंभ होगा। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी आज मीटिंग करके ये निवेदन कर लिया है कि 14 तारीख को एक मिलावटखोरों के खिलाफ एक जागरूकता रैली हम निकाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये पहली रैली है ऐसी, ये पहला कदम ही हो रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ प्रादेशिक प्रदेश में, बड़े लेवल पर जो जागरूकता रैली हम लेकर निकलेंगे 14 तारीख को, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। बाल दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर बाल दिवस के रूप में 14 तारीख को मनाते हैं। तो एक बच्चे से प्रेरणा मिली थी, चौथी क्लास का एक बच्चा था, उसने कहा था कि चाचा इस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। अब उस रैली को, जागरूकता रैली को हम किला मैदान से स्टार्ट कर पोस्ट ऑफिस चौराहे, जो आज शहर का गुरु नानक चौराहा बन गया है, गुरु नानक चौराहे से होते हुए श्रीकंठा की गजानन प्रतिमा होते हुए, वहाँ से श्रीराम धर्मशाला के उधर से फव्वारा चौक से टीआईटी कॉम्प्लेक्स हम गांधी प्रतिमा पर उस जागरूकता रैली का समापन करेंगे। हमारा, आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर की जनता से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वो इस जागरूकता रैली में शामिल हो। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ अगर इसमें साथ मिला तो निश्चित ही शहर का एक बहुत बड़ी जागरूकता रैली जो अभी तक होती रही है उससे बड़ी रैली होगी। और शहर में माताएं बहनों में इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय कमलनाथ जी ने मिलावटखोरों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया है उससे बहुत प्रफुल्लित है महिलाएं घरों में रहने वाली, और बच्चे भी बहुत खुश हैं। मैं एक और इस जागरूकता रैली में भाइयों से निवेदन करता हूं कि भाई कम से कम अगर हो तो हमारे नौजवान साथी हो, बुजुर्ग हो, हमारे भाई लोग व्हाइट कपड़ों में अगर पहन के आएंगे तो निश्चित ही शुद्धता का प्रतीक सफ़ेद कपड़ा होता है, सफ़ेद होता है, तो हम सफ़ेद पहन के आए तो हमारा एक रैली में, जागरूकता रैली में एक अलग से दिखेगा। और हम प्रयास करेंगे कि सब लोग सफ़ेद कपड़े पहन के आए, सफ़ेद कपड़े पूरे नहीं तो सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद कुर्ता, ऊपर का हिस्सा हमारा सफ़ेद हो, ताकि उससे लोगों को प्रेरणा मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।